सो फ्रेंड्स, एल विजय के डायरेक्शन में बनने वाली थलाइयो मूवी को अब फाइनली 10 सितंबर के दिन भारतीय सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना है, जो कि काफी अच्छी बात है कि इस मूवी के नजरिए। थलाइयो मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि जयललिता एक इंडियन पॉलिटिशियन और उनके साथ साथ फिल्म अभिनेत्री के पूरे के पूरे लाइफ पर बेस्ड है। ये इंडियन सिनेमा की सबसे भयंकर सबसे खतरनाक एक्टर थी अपने दौर में और यह इन्होंने अपने टाइम पर बहुत अच्छा तरीके से राजपाट भी किया था तमिलनाडु की ओर, जिससे कि इनको एक महान हस्ती के रूप में भी जाना जाता है। जयललिता मैडम अब हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन इनकी बहुत यादें जो कि इनको अमर रखता है अभी भी फैंस के दिल में। इसी के साथ दोस्तों आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, तो देखते रहेगा पूरा वीडियो। शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं इस शानदार मूवी के धमाकेदार स्टार कास्ट के बारे में। तो इस शानदार मूवी के धमाकेदार स्टार कास्ट में आप सभी को जयललिता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी कंगना रनावत, जो ये काफी यंग ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस भी मानी जाती है और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग भी करी है और ये तमिल की साइड से ही बिलोंग करती है और इनके ऊपर जयललिता मैडम का किरदार बहुत अच्छी तरीके से सूट भी कर रहा है। वहीं अगर बात करें इसमें आपको लीड का किरदार निभाते हुए कौन नजर आएंगे, तो इसमें आप सभी को अरविंद स्वामी जो कि एमजी रामचंद्रन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं हम आपको इसमें और भी अन सपोर्टिंग स्टार के बारे में बता दें, श्यामा कासिम आपको वीके शशिकला का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, जो कि इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी मानी जाती थी। अब आइए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसको 10 सितंबर 2021 को भारतीय सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना है, जो ये काफी अच्छी बात है कि इस मूवी के नजरिए से। वहीं इसकी एडवांस बुकिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन इस मूवी को रोक लग सकता है महाराष्ट्र, क्योंकि सुशांत वाले केस में जिस तरह कंगना रनावत ने महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा था, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार इनको थोड़ा सा बैन और थोड़ा सा रोक भी लगा सकती है इस मूवी के रिलीज को लेकर, क्योंकि उनकी पर्सनली दुश्मनी हो चुकी है कंगना रनावत के साथ। लेकिन ऐसा कुछ होए नहीं, इसके हम पूरी पूरी दुआ करेंगे और साथ ही साथ इस मूवी को सुपर के साथ ब्लॉकबस्टर बनाने में बहुत अच्छा हाथ भी रहेगा कंगना रनावत मैडम का। इसी के साथ आइए जान लेते हैं इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में। तो इसकी अभी एडवांस बुकिंग हो चुकी है लगभग 90 से 105 करोड़ के बीच की, जो कि काफी अच्छी बात रही है इस मूवी के नजरिए से, यानी कि रिलीज से पहले इस मूवी के पास इतने पैसे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लिया बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग को, बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।